नाउ वी विल स्टडी लेजर सेक। देखो लेजर सेक में पहले ये डायग्राम देखो, ये हुआ है द लिवर, ठीक है, दिस इज लिवर, देन स्टमक, देन ट्रांसवर्स कोलन, और इसको लिवर को और स्टमक को कनेक्ट कर रहा है अपना लेसर ओमेंटम। फिर ये ग्रेटर ओमेंटम है, ग्रेटर ओमेंटम की लेयर होंगी फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड, फोर्थ लेयर। फिर ये ट्रांसवर्स मीसो कोलन, फिर इधर ये पेनक्रियाज है, ठीक है। तो ये जो सेक बना है इससे बोल देंगे लेसर सेक। पढ़ते हैं लेसर सेक या फिर ओमेंटल वर्सा। दिस इज ए लार्ज रेसेज स्पेस ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी बिहाइंड द स्टमक। स्टमक के पीछे, ठीक है, ये स्टमक है, स्टमक के पीछे, बिहाइंड द स्टमक द लेजर ओमेंटम, लेजर ओमेंटम के पीछे, एंड द क्वाड्रेट लोब ऑफ द लेवर। तो देखो लेवर के क्वाड्रेट लोब के पीछे है, ये लेजर ओमेंटम के पीछे है, स्टमक के पीछे है, ठीक है। अपन ने पहले डेफिनेशन लिख दी। इट इज़ क्लोज्ड ऑल राउंड एक्सेप्ट द अपर पार्ट ऑफ द राइट बॉर्डर थ्रू विच इज कम्युनिकेट विद द ग्रेटर सेक थ्रू द एपिकुलर फोमी। और इधर जो है इस पार्ट पे ये कम्युनिकेट करता है थ्रू एपिप्लोइक फोरामेन, एपिप्लोइक फोरामेन के थ्रू कैसे कम्युनिकेट करेगा, ग्रेटर सेक से। अब इसकी बाउंड्रीज देखते हैं, एंटीरियर बाउंड्री। तो देखो ये पूरी एंटीरियर बाउंड्री बनाएगा, ये पूरा पार्ट। इसमें क्या आएगा, लेवर के क्वाड्रेंट लोब को ये जो पेरिटोनियम कवर कर रही है वो, फिर लेसर ओमेंटम, फिर स्टमक की पेरिटोनियम, फिर ग्रेटर ओमेंटम की लेयर, ठीक है। तो पेरिटोनियम कवरिंग द क्वाड्रेंट लोब एंड द क्वाड्रेंट प्रोसेस ऑफ द लेवर, पोस्टीरियर लेयर ऑफ द ग्रेट लेसर ओमेंटम। ये लेसर ओमेंटम है, इसकी ये एंटीरियर लेयर हुई, ये पोस्टीरियर लेयर हुई, तो पोस्टीरियर लेयर ऑफ द ग्रेट लेसर ओमेंटम। पेरिटोनियम कवरिंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक, सेकेंड लेयर ऑफ द, अब ये हो गई पेरिटोनियम कवरिंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक, फिर होगी सेकेंड लेयर ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम। अब पोस्टीरियर रिलेशन देखते हैं, ये स्पेस है, इसका पोस्टीरियर रिलेशन ये हो गया पूरा। तो इसमें क्या आएगी, थर्ड लेयर ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम, पेरिटोनियम कवरिंग द, अब ये ट्रांसवर्स कोलन है, ये वाला, ये ट्रांसवर्स कोलन है, तो पेरिटोनियम कवरिंग द एंटेरो सुपीरियर सरफेस ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन, अपर लेयर ऑफ ट्रांसवर्स मीजो कोलन। अब ये ट्रांसवर्स कोलन को जो पोस्टीरियर वॉल से जोड़ेगा, ट्रांसवर्स मीजो कोलन, उसकी अपर लेयर आती है, ठीक है। पेरिटोनियम कवरिंग द इंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ पेनक्रियास, इधर पेनक्रियास है इसकी एंटीरियर सरफेस को जो कवर कर रही है, लेवर के पीछे, इधर किडनी, इधर मतलब किडनी होगी पीछे, उसका सुपरारिनल ग्लैंड होगा, तो वो आएगा क्या आएगा, लेफ्ट सुपरारिनल ग्लैंड, लेफ्ट किडनी, स्प्लीनिक वेसल एंड द डायफ्राम, ठीक है। ये चार पोस्टीरियर में इतने रिलेशन लिखना है अपन को, देखना है सब डिवीजन ऑफ द लेसर सेक। लेसर सेक मतलब क्या है, स्पेस है, इसके सब डिवीजन कर दिए अपन ने, ठीक है। अब सब डिवीजन में कौन कौन सी स्पेसेस आ जाएंगी वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली आती है इसमें, तो पहले तो अपन ने जो देख लिया कि ये स्पेस है, तो इसमें अब रेसेस आएंगी, एक जो नीचे है उससे बोल देंगे इन्फीरियर रेसेस। ये देखो ये जो नीचे वाला पार्ट होगी ना, ये वाली, ये पूरा लेसर से है कि इसमें जो नीचे आएगी इससे बोलेंगे इन्फीरियर रेसेस, ऊपर बोलेंगे सुपीरियर रेसेस, इधर बोलेंगे स्प्लीनिक रेसेस, ठीक है। तो सुपीरियर रेसेस, इन्फीरियर रेसेस, एक एपिप्लोइक फोरामेन से जिससे ये कम्युनिकेट करता है, एपिप्लोइक फोरामेन, स्प्लीनिक रेसेस स्प्लीन की तरफ होगा, सुपीरियर रेसेस, इन्फीरियर रेसेस, स्प्लीनिक रेसेस, ठीक है। अब रेसेस ऑफ द लेसर से ये देख लेते हैं, प्रेजेंट बिहाइंड द लेवर एंड लेसर ओमेंटम। तो लेवर और लेसर ओमेंटम के जो पीछे रेसेस है उससे सुपीरियर रेसेस बोल रहे हैं, इन्फीरियर रेसेस क्या है, प्रेजेंट बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड लेयर ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम। इन्फीरियर रेसेस है, स्प्लीनिक रेसेस क्या है, प्रेजेंट बिटवीन द गैस्ट्रो स्प्लीनिक लेगामेंट, एक लेगामेंट होता है जो गैस्ट्रो मतलब स्टमक को स्प्लीन से जोड़ रहा है, उसके बिटवीन जो रेसेस प्रेजेंट होगी वो स्प्लीनिक रेसेस होगी, एंड लाए नो रीनल लेगामेंट एंड लीनो रीनल लेगामेंट, दो लेगामेंट के बीच में गैस्ट्रो स्प्लीनिक स्टमक और स्प्लीन, और लीनो रीनल स्प्लीन और किडनी के बीच के लेगामेंट के बीच में स्पेस हो गया, उससे स्प्लीनिक रेसेस बोलेंगे।
ठीक है। अब इसका अपन देखते हैं क्लिनिकल। तो लेजर सेक में क्या होता है, एब्डोमेन के कंटेंट अगर ये अगर हर्निया हो जाएगा, जब इसमें एपिप्लोइक फोरामेन के द्वारा अगर इंटरनल हर्निया थ्रू एपिप्लोइक फोरामेन अगर अंदर जाएगा, तो ये क्लिनिकल में अपन को लिखना है इंटरनल हर्निया इंटू लेजर सेक। ठीक है, फिर और पढ़ लेते हैं। और है एक और क्या है, पोस्टीरियर गैस्ट्रिक अल्सर। स्टमक की वॉल में अगर पीछे अल्सर हो गया, पोस्टीरियर गैस्ट्रिक अल्सर में परफोरेट इनटू द लेजर सेक, ये लेजर सेक के अंदर आ सकता है। द लीकिंग फ्लूइड पास आउट थ्रू एपिप्लोइक फोरामेन टू रीच द हेपेटोरिनल पाउच, और ये एपिप्लोइक फोरामेन से हेपेटोरिनल पाउच में चले जाएगा। समटाइम इन दिस केस द एपिप्लोइक फोरामेन इज क्लोज्ड बाय एडेशंस, अपन बंद कर देते हैं। देन द लेजर सेक बिकम डिस्टेंटेड एंड कैन बी ड्रेन बाय द ट्यूब पास थ्रू द लेजर ओमेंटम। अपन ये पढ़ते हैं, स्टेंगुलेटेड इंटरनल हर्निया इंटू द लेजर सेक थ्रू एपिप्लोइक फोरामेन इज अप्रोच्ड थ्रू द ग्रेटर ओमेंटम बिकॉज द एपिप्लोइक फोरामेन कैन नॉट बी एनलार्ज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अराउंड इट। एक अपन को लिखना है, और एक ये वाला देखो, पेरिटोनाइटिस। ये कैसे हो जाती है, पेराइटल पेरिटोनियम अगर सूज जाएगी तो पेरिटोनाइटिस हो जाएगी ऑफ एब्डोमेन। पेराइटल पेरिटोनियम ऑफ एब्डोमेन इज सप्लाइड बाय T7 to T12 एंड L1 नर्व, वाइल दैट ऑफ पेल्विस इज सप्लाइड बाय द ऑब्टूटर नर्व। पेरिटोनाइटिस में आकर बाय एन ओपनिंग इन द क्लोज्ड गैस्ट्रोस्टेनाइज ट्रैक्ट इन एब्डोमिनल कैविटी बाय रप्चर अपेंडिक्स और गैस्ट्रिक अल्सर परफोरेशन और टाइफाइड। तो गैस्ट्रिक अल्सर से, टाइफाइड अल्सर से, इनसे पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। इन्फेक्शन बाय एनी ओपनिंग थ्रू एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और इन्फेक्शन थ्रू वेजाइना, यूटराइन कैविटी, फेलोपियन ट्यूब एंड द पेरिटोनियल कैविटी। तो अपन को एक लिखना है पेरिटोनाइटिस, ठीक है, ये हो जाएगा गैस्ट्रिक अल्सर से, परफोरेशन से, टाइफॉइड अल्सर से, फिर वेजाइना की ओपनिंग से इधर से आ जाएगा, फिर इन्फेक्शन आएगा कोई सी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की ओपनिंग से, ठीक है। फिर अपन को एक हर्निया लिखना है, इंटरनल हर्निया, जब लेजर सेक के अंदर कंटेंट आ जाएगा कोई एपिप्लोइक फोरामेन से। फिर अपन को एक लिखना है पोस्टीरियर गैस्ट्रिक अल्सर, अगर स्टमक की वॉल पे हो रहा है तो वो इधर आ जाएगा लेजर सेक में, ठीक है बस।